रात हो गई है और रात के खाने में आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू दम। और देखिए मैं कैसे कैसे बनाती हूँ आपके साथ मैं शेयर करती हूँ आलू दम की अपनी रेसिपी। सबसे पहले मैंने आलू को, मैं बॉईल करके नहीं बनाती हूँ, मैं आलू को नॉर्मली छील के तो बनाती हूँ। मैं दिखाती हूँ ना कि आपको आधा प्रिपरेशन मैंने कर लिया, तो मेरे को ध्यान आया कि अरे मैंने तो रिकॉर्डिंग ही नहीं किया है, तो फिर इसीलिए मैंने आपके साथ में ये वीडियो शेयर करने के लिए मैंने बना लिया। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने आलू को छील लिया है, देखिए भी मैं यहाँ आलू छील ही रही थी, और यहाँ पे छील लिया है मैंने आलू। और यहाँ पे मैंने गैस को गर्म करने के लिए रख दिया है, और इसमें मैंने प्याज फ्राई करूँगी, और उसके बाद फिर मैं इसमें सारे बेसिक जो मसाले वगैरह हैं सब डालूँगी। अभी मैं दिखाती हूँ मैं कैसे कैसे करती हूँ, ठीक है। आप मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल पर, तब तक आप। यहाँ पे मैंने प्याज का तड़का लगा दिया है, और मैं अभी आलू धोकर डाल दिया इसमें, और प्याज अगर फ्राई हो गए हैं, और इसमें देखेंगे आलू भी मैंने फ्राई रखे थे सारे डाल देती हूँ। फटाफट बन जाएंगे, झटपट बनने वाला है आलू दम मसाला कम, फटाफट फटाफट भरा लेट हो रहा है क्योंकि मुझे बहुत जल्दी नींद आने जाती है आजकल, थोड़ा जल्दी पढ़ाई के टाइम पे नींद बच्चों को जल्दी आती है, तो मैं फटाफट बना लेती हूँ इसको सब्जी। आप चाहे तो आलू को बॉईल करके भी बना सकते हैं, वो भी ठीक लगता है, लेकिन मेरे यहाँ आलू की इस तरह की आलू कम अच्छी लगती है, तो मैं ऐसे ही बनाऊंगी। आलू को हम लोग आलू दो पीसेस में काट लेंगे। बहुत कम लिखी जो थोड़ा काम लग गया था, मसाले भी मैं निकाल लेती हूँ फिर से। यहाँ पे मैंने दो टमाटर लिए हैं, और ये टमाटर सब्जी में कड़क से डालूंगी, वॉश कर लिया टमाटर, गरम किया है, जल्दी ही बनाना है। प्याज भी मेरा गर्म फ्राई हो गए हैं, और इसमें मैं दो स्पून धनिया पाउडर डालूंगी। अब मैं इसमें सॉल्ट डालूंगी, मैंने सॉल्ट डाल दिया, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप कौन सा सॉल्ट डाल सकते हैं। जल्दी कर रही हूँ, आज तो कुछ बटन गिर भी जाता है। ये एक स्पून मैंने इसमें डाल दिया है, और थोड़ा सा और डाल दिया क्योंकि थोड़ा मसाले ज़्यादा चाहिए होते हैं, आलू कम है। और ये मैंने टमाटो इसमें सॉफ्ट करके डाल दिए, करके तो डाल दूंगी।
तो टमाटर मैंने इसमें डाल दिया। मैंने सलाद रखा है काटने के लिए, मैं लास्ट में बाद में कर लूँगी। पहले मैं इसमें डाल देती हूँ ताकि यहाँ पे ये थोड़ा सा मेरा जो है थोड़ा क्लीन क्लीन दिखे, बहुत गंदा दिख रहा है। साफ भी कर लेंगे करते हैं। आप एक से डेढ़ स्पून डाल सकते हैं मीट मसाला, तो आप सफिशियंट होता है मीट मसाला। अब इसको हम लोग थोड़ा फ्राई करेंगे और ये मसाले से स्पून निकाल लेंगे, इसको वॉश कर लेंगे। जाएगा फ्रिज के अंदर। ये रख दिया मैंने फ्रिज के अंदर, आपको दिख ही रहा होगा कि मैं फ्रिज के ऊपर रख करके बनाती हूँ वीडियो। अभी मैं आपको इसका थोड़ा सा क्लोजअप दिखाती हूँ कि मेरा कैसा लग रहा है सब्जी। ये देखिए मसाले मेरे फ्राई हो रहे हैं, ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है इसका, आप लोग देख सकते हैं। और ये जब फ्राई होगा ना तो अपने आप साइड से तेल निकलने लग जाते हैं, इसका मतलब होता है कि ये फ्राई हो गया है। और टमाटर को हम लोग ऐसे रफ्ते चॉप्ड कर दिए हैं क्योंकि टमाटर भी आसानी से गल जाएगा, तो ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं लगता है, झटपट बन जाता है। ये आलू दम की रेसिपी देखिए, ये देखिए साइड साइड से ऑयल भी निकलने लग गया है। और मैं इसको थोड़ा कम ही तेल में बना रही हूँ क्योंकि ज़्यादा तेल सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। देखिए फ्राई कर देंगे, फ्राई हो रहा है मेरा सब्जी, चलाते रहेंगे। थोड़ा मैंने तेजी आंच पे कर रखा है क्योंकि जल्दी मेरे को करना है ना। थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे इसमें ताकि मसाला भूने जले नहीं। मसाले मेरे भुन गए हैं, अब बस मेरे को इसमें पानी डालना है। जैसे आपको ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल देंगे। आप इसको सब्जी को, इस सब्जी को आप चावल के साथ खाएं या रोटी के साथ खाएं, पूरी के साथ खाएं, जिसके साथ खाना चाहते हैं आप खा सकते हैं। मेरे यहाँ दोनों डिमांड हुआ है कि हमें राइस भी खाना है और पूरी या रोटी देखते हैं और उसके बाद फिर हम लोग मिलेंगे। जब सर्व करूंगी तो फिर आपको दिखाऊंगी मैं। अब इसको दो तीन बेसन आने तक छोड़ देंगे। दो तीन बेसन आएगा तो समझेंगे कि हमारा सब्जी रेडी। फिर मैं अभी आपको जो बन जाएगा उसके बाद मैं आपको खाना निकाल करके दिखाऊंगी कि मेरी सब्जी कैसी बनी है।
ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सलाद के लिए खीरा काट ली छिल लिया है, प्याज को भी छिल लिया है, और यहाँ पे ये मेरा आलू दम रेडी है। और यहाँ पे मैंने पुलाव बना लिया है। अब बेटे का डिमांड है कि मुझे पुआ खाना है, तो अब तो मुझे बेटे का डिमांड है कि मुझे पुआ खाना है और फिर अब मुझे पुआ बनाना पड़ेगा। पहले बोल रहा था पूड़ी खाएंगे, अब बोल रहा है पुआ बनाना पड़ेगा। जा रही हूँ उसके लिए पुआ थोड़ा सा बना लेती हूँ और फिर उसको खिला देती हूँ। मैंने थोड़ा सा पुलाव बना लिया था, मेरे को लगा कि उसका फेवरेट है पुलाव, तो पुलाव खाएगा। तो झटपट मैंने अभी कुकर में बना लिया था पुलाव, तो फिर बोला कि नहीं मेरे को पुआ खाना है, तो मैं पुआ बनाती हूँ उसके लिए। एक हाउसवाइफ के लिए ना एकदम मतलब परेशानी वाला बात हो जाता है, कोई कुछ और डिमांड करते हैं, कोई कुछ और डिमांड करते हैं, सबकी फरमाइश बस पूरी करते रहो, अपने लिए तो टाइम ही नहीं रहता है। ठीक है, अभी मैं जा रही हूँ बनाने के लिए उसके लिए पुआ, उसके बाद फिर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, बेटे की फरमाइश पे मैं पुआ बना रही हूँ, अभी वो पुआ खाएगा। बेटे की फरमाइश भी पूरी करनी पड़ती है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पुआ और सब आलू दम की सब्जी बेटे के लिए निकाल दिया है। यहाँ पे मैंने अपने बेटे का डिनर निकाल दिया है, अब मैं उसको खाना खिलाऊंगी और फिर खाना खाने के बाद हम लोग मिलते हैं आपसे। बाय, तब तक के लिए। यहाँ पे मैंने अपने बेटे का खाना निकाल दिया है, उसकी फरमाइश थी ना पुआ और सब्जी खाने की, मैंने बना दिया। आयन को मैंने पुलाव दे दिया है, पुआ भी खा लेंगे उसमें से एक, और उसके बाद फिर देखिए पूरा रात हो चुका है, काफ़ी देर हो गया है मेरे को बनाते बनाते। जब मेरा लास्ट पुआ मैं बना रही हूँ, अब बनाओ तो एक तो पुआ बनेगा नहीं, बनेगा थोड़ा ज़्यादा ही बन जाता है, तो फिर मैं बना दी हूँ यहाँ पे। और पुलाव मैंने थोड़ा कम ही बनाया था, अब खिला दूँगी मैं, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और इसी के साथ हम लोग का डिनर हो गया है और मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। यदि मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अर्शविधान व्लॉग। तो प्लीज़ आप लोग मेरे को सपोर्ट करें। थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, गुड नाइट।